क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 7.3 के क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5. इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन. तो यह कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग कर द्वारा कितनी चार अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं. यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी. तो हमारे को 5 संख्याएं दे रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो उनसे जो है हमारे को चार डिजिट बनाने का वाला नंबर बनाना है, एक वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड का वाला, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार वाले प्लेसेस वाले चार अंकों को बनाना है. और ये हमने नंबर जो दिए हुए हैं वो 5 नंबर दिए हुए हैं और चार स्थानों को हमारे को इससे भरना है, 4 प्लेसेस को इससे भरना है. तो देयर आर 5 डिजिट्स, देयर फोर देयर विल बी एज मैनी 4 डिजिट नंबर एज देयर आर परमुटेशंस ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट टेकन 4 एट ए टाइम. तो आपको चार जो प्लेसेस को भरना है उन्हें दिए हुए 5 अंकों में से चुनकर भरना है. यानी कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट 5 हैं और जो फिल प्लेसेस करने हैं, जो जगह भरनी है, वो हैं आपके पास 4. तो इसीलिए आपका कहा देयर विल बी एज मैनी 4 डिजिट नंबर्स. तो 4 अंकों के कितने नंबर बनेंगे जो ये जो है डिपेंड करता है परमुटेशंस पे. और 5 डिफरेंट डिजिट टेकन 4 एट ए टाइम, यानी कि 5 में से 4 को एक बार में लेने पर जो बनेंगे उतने ही हमारे अंक बनेंगे. तो 5 डिजिट हैं उनमें से 4-4 का पेयर लेके आपको ये बनाने हैं. तो इसको आप जो है 5P4 तरीके से बना सकते हैं. 5P4 यानी कि परमुटेशन आपको यहाँ यूज़ जो करनी है, 5 डिफरेंट डिजिट्स जो हैं उनमें से 4 जो हैं एक साथ लेने हैं. उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे. और जो है इसको आपने इस तरह से जो है एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया कि जो है आपके जो नंबर हैं, आपने 4 प्लेसेस जो भरे, जहाँ जो मैंने स्माइलीज से दिखा रखे हैं, तो वो 4 प्लेसेस को भरने के लिए आपने जो यूज़ किया है वो जो है आपका उससे आपके रिक्वायर्ड नंबर जो आ गए 4 डिजिट के, वो आपने लिख दिए कि रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स इज़ इक्वल टू. और फिर जो है आप वो लिख देंगे रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स के बाद कि वो नंबरों की संख्या जो है, यानी कि 4 अंकों वाले जो 4 अंकीय जो संख्याएं हैं उन वो कितनी हैं. तो वहाँ यहाँ लिख देंगे वो हैं 5P4. 5P4 का मतलब है कि आपको इसको 5×4×3×2×1 लिखना है. तो 5×4 जो है वो 20 हो गया. 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120. यानी कि 4, 5×4 20, 20×3 60, 60×2 120. यही हमारा आंसर है. यानी कि हमारे को 120 नंबर बनेंगे. और क्वेश्चन में आगे कहता है कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, यानी कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी. तो इवन संख्याएं, इवन नंबर बनाने के लिए हमारे को यहाँ जो नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से दो नंबर जो दो डिजिट हैं 2 और 4, इनको वंस प्लेस पे रखने से जो है इवन नंबर बनेंगे. बाकी जो नंबर दे रखे हैं 1, 3, 5, इनको अगर हम वंस प्लेस पे रखते हैं तो ऑड नंबर बनते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वंस प्लेस को अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो फिर दो नंबरों 2 या 4 में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ जो है आपके नंबर जो बने वो इसको भरने के लिए वंस प्लेस को चूज भरने के, वो नंबर जो हैं वो 2 और 4 में से कोई एक है. तो दो ही तरीके इसके हुए उनको भरने के. तो अब जो है नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विद 2 एट यूनिट प्लेस, अगर 2 को यूनिट प्लेस पे रख दिया जाए तो आपके पास जो है 4 नंबर बच जाते हैं. जैसे 1, 3, 4 एंड 5, यानी कि 1, 3, 4 और 5 आपके पास बच गए. कुल 4 आपके पास डिजिट बच गए अगर 2 को आपने वंस प्लेस पे रख दिया. यानी कि बचे हुए 3 प्लेसेस को भरने के लिए 4 डिजिट में से, यानी कि 1, 3, 4 और 5 में से आपको 3 प्लेसेस 10, 100 और 1000 को भरना है. तो 4P3 जो है आपके ये परमुटेशंस बन गई.
तो इसका मतलब 4 × 3 × 2 × 1 जो है, ये जो है इसका आपका इसका रिजल्ट आया। तो 4P3 का मतलब हुआ 4 × 3 जो कि 12 है, 12 × 2 = 24, यानी कि कुल मिला के 24 तरीके से आप जो है टू से एंड होने वाले इवन नंबर बना सकते हैं। अगर आप 4 को जो है वंस प्लेस पे रखते हैं तो भी आपके इवन नंबर बनेंगे, और 4 को अगर आप वंस प्लेस पे रखते हो तो आपके पास जो बचे हुए डिजिट होंगे वो होंगे 1, 2, 3 और 5, यानी कि 1, 2, 3 और 5, क्योंकि 4 आपने वंस प्लेस पे यूज़ कर लिया। तो अब आपके पास 4 डिजिट हैं और उससे आपको टेंस, 100 और 1000 वाले प्लेस, 3 प्लेसेस को भरना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी परमुटेशन हुई 4P3 जो कि पहले की तरह जो है 24 आया। अब जो है इसका मतलब 2 से एंड होने वाले 24 बनेंगे और 4 से एंड होने वाले भी 24 नंबर बनेंगे। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड इवन नंबर हुए आपके, वो इन दोनों के सम के इक्वल होंगे, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर होंगे। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इवन नंबर आ जाते हैं, और वो जो नंबर हैं वो होंगे आपके 24 + 24 यानी कि 48। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, इसका सॉल्यूशन। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।